नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में जाति आधारित गणना जो कराई गई थी उसकी रिपोर्ट आज प्रकाशित कर दी गई है, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। आज उसकी रिपोर्ट का लोकार्पण हुआ। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पटना के पुराना सचिवालय में, यानी कि जो ओल्ड सेक्रेटेरिएट है उसके ही सभागार में आज इस जाति आधारित गणना का जो रिपोर्ट है उसे प्रकाशित किया गया, उसे सार्वजनिक किया गया है। और वो रिपोर्ट भी हमारे पास है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है जो प्रमुख जातियां हैं उसकी कितनी प्रतिशत आबादी बिहार में है, बिहार में कितना दबदबा है किन जातियों का, ये आज बात सामने निकल के आई है। लेकिन ऐसे में बिहार सरकार ने जब अपने ही संसाधनों पर अपने ही खर्चे पर बिहार में जाति आधारित गणना कराई है, कितनी बार कानूनी अड़चने आई, कोर्ट तक ये मामला गया, स्टे हुआ, फिर बाद में पटना हाईकोर्ट से राहत मिली, उसके बाद जब बिहार में जाति आधारित गणना कराई गई है तो उसका रिपोर्ट आज जब जारी किया गया है, इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी है ट्वीट करके। क्या कुछ वे कह रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं जरा देखिए। जातीय गणना की रिपोर्ट पब्लिश होते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले ट्वीट किया है और लिखा है, आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जातीय आधारित गणना के कार्य में लगी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी। ये फैसला जो है वो 2 जून 2022 को मंत्रिपरिषद की इस बैठक में स्वीकृत की गई थी। उस वक्त एनडीए की सरकार थी बिहार में। देखिए, नीतीश कुमार ने इसका जिक्र किया है। इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराई है। बिहार में कास्ट सर्वे हुआ है और इसके बाद न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान के लिए अग्रतर कार्रवाई की जाएगी, यानी कि आगे बातें की जाएंगी, योजनाएं बनाई जाएंगी। बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना को लेकर शीघ्र ही बिहार विधानसभा के उन्हीं 9 दलों की बैठक बुलाई जाएगी तथा जाति आधारित गणना के परिणामों से उन्हें अवगत कराया जाएगा। ये नीतीश कुमार ने ट्वीट करके लिखा है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी कहा है, बिहार के जाति आधारित सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक, ऐतिहासिक क्षण, दशकों के संघर्ष का प्रतिफल। अब सरकार की नीतियाँ और नियत दोनों ही जाति आधारित सर्वे के इन आंकड़ों का सम्मान करेंगे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लिखा। वहीं लालू प्रसाद ने भी ये लिखा है कि आज गांधी जयंती पर, जो लालू प्रसाद की ओर से बयान सामने आया है, लिखित बयान आया है, आज गांधी जयंती पर इस ऐतिहासिक क्षण के हम सभी साक्षी बने हैं। बीजेपी की अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्रों के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज़ किया है। ये आंकड़े वंचित, उपेक्षित और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने एवं हाशिए के समूहों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नज़ीर पेश करेंगे। सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। हमारा शुरू से मानना है राज्य के संसाधनों पर न्याय संकट अधिकार सभी वर्गों का हो। केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब पूरे देश में जातीय जनगणना करवाएंगे और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे, कास्ट सेंसस। लालू प्रसाद ने भी ये प्रतिक्रिया दी है बिहार में जब कास्ट सर्वे जारी किया गया है, कास्ट सर्वे का रिपोर्ट जारी किया गया उसके बाद। तो नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद हो, सभी ने क्या कुछ कहा है हमने आपको दिखाया है, क्या कुछ उनका बयान सामने सबसे पहले निकल के आया है ये हमने आपको सुनवाया है। देखना यह है कि बीजेपी जाति आधारित गणना के पक्ष में थी क्योंकि विधानसभा से, विधानमंडल से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था और अब इसकी रिपोर्ट आज 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन प्रकाशित की गई है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं जो विकास आयुक्त हैं बिहार के, विवेक सिंह, उनके द्वारा ही इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है, लोकार्पण किया गया है। तस्वीरें हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। आप लाइव स्ट्रीम साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।